एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके कुंडली में लग्न से जो दशम भाव है वहाँ पे जो राशि है उसके अनुसार किस तरह से आपका जो कार्य क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि दशम स्थान से हम कैरियर व्यवसाय वगैरह को देखते हैं। तो मान लो वहाँ पे एक नंबर की राशि है, तो एक नंबर की राशि मेष राशि होगी, तो मेष राशि का जो संबंध बनता है वो मंगल से बनता है। तो इसके लिए आप सेना में जा सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, फिर यांत्रिकी बन सकते हैं, लोहा और इस्पात के कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, अग्निशमन के जो कार्य क्षेत्र है वो हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, इस तरह से आप एथलीट भी हो सकते हैं। और सेना और पुलिस के बारे में हमने बात ही की है, तो इस तरह से आपने देखा कि उद्योगपतियों, अग्निशमन के केंद्र जो हैं, लोहा और इस्पात के जो क्षेत्र हैं, सेना और पुलिस के क्षेत्र हैं, ये सब एक नंबर का जब भी राशि आपके दशम भाव में हो तो ये उनके कैरियर का व्यवसाय के कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। ऐसे दो नंबर के जो राशि है इसका मालिक बनता है शुक्र, तो वृषभ राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि है और शुक्र के कारण जो भी यहाँ पे हम जो कार्य क्षेत्र को ले सकते हैं, जो विलासिता से जुड़ा का सामान है वो हो सकते हैं, जैसे गहने हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं, संगीत का कार्य क्षेत्र है, अभिनेताओं का जो कार्य क्षेत्र ही इसी से वो देखा जाएगा, फिर बैंकिंग का भी कार्य क्षेत्र यहाँ से आ जाता है, फिर फैशन का जो है वो भी क्षेत्र यहीं से आया जाएगा, और इस तरह से संपत्ति रिलेटेड कार्य क्षेत्र भी आ सकते हैं। तो इसलिए दो नंबर की जब भी राशि आप देखें तो आप जो भी अभिनेता है, संगीत प्रेमी है, सुंदर प्रसाधन के प्रेमी है, इस क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। इसके बाद हम तीन नंबर की जो राशि है वो मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध बनता है। तो इस तरह से ये बुध के जो कार्य क्षेत्र आएंगे वो ये हो सकते हैं कि मीडिया से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र हैं, जो हम पत्रकारिता करते हैं वो हो सकते हैं, फिर जो लेखक होते हैं वो हो सकते हैं, फिर ये अकाउंटेंट का जो क्षेत्र है वो हो सकता है आपका। इस तरह से आपने देखा कि जब भी तीन नंबर की राशि है तो ये जो क्षेत्र हमने बताए वो उसमें हो सकता है। इसके बाद में आप जो लेखक होते हैं या अनुवाद जो करते हैं, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं ये भी मिथुन राशि के उसमें आ जाएंगे, तीन नंबर की राशि अगर दशम भाव में है तो। अगर चौथे भाव दशम भाव में जो चार नंबर की राशि जिसको हम कर्क राशि बोलते हैं, उसका स्वामी बनते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा से संबंधित कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, जो कि नेवी का जो काम है, नौसेना का है वो हो सकता है, मरीन कार्य क्षेत्र जो बोलते हैं, फिर जो मछली पालन का जो क्षेत्र हो सकता है, वे जो नर्सिंग के काम में जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, फिर जो डिजाइनिंग का जो इंटीरियर डिजाइन करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा क्षेत्र है ये, फिर खाद्य पदार्थों के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें जा सकते हैं, ये सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, ये इतिहासकारों का भी हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो सरकारी नौकरी वो हम 5 नंबर की राशि से देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि 5 नंबर की राशि अगर आपके दशम भाव में है तो ये जो सिंह राशि है उसका जो स्वामी बनता है सूर्य है, और सूर्य जो अथॉरिटी है, तो इसके लिए आप जब हम बात करेंगे तो ये सरकारी क्षेत्र भी आ जाता है इसमें। तो अगर आपकी लग्न कुंडली से पंचम और दशम भाव में अगर 5 नंबर की जो राशि है वो सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य बनेगा, तो सूर्य के जो कार्य क्षेत्र हैं वो आपका कैरियर हो सकता है और व्यवसाय हो सकता है। तो जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। इस तरह से जो क्षेत्र जो बताए हैं वो अथॉरिटी के क्षेत्र हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र हैं, ये सब यहीं से देखे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो कि 6 नंबर की राशि है, ये कन्या राशि है, और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि राशि मानी जाएगी। तो कन्या जो राशि है
ये आपका जो बुद्ध का जो स्वामी बनाना हो वो है। माने कहने का मतलब है कि अगर दशम भाव में 6 नंबर की कन्या राशि है जिसका स्वामी बनेगा बुद्ध, और ये 2 स्वभाव राशि है, और इनका जो कार्य क्षेत्र हो सकता है वो आप मान के चलिए कि ये कंप्यूटर का जो कार्य क्षेत्र है या कंप्यूटिंग का जो कार्य क्षेत्र है वो हो सकता है। हमारा जो क्षेत्र है ज्योतिष का वो क्षेत्र हो सकता है, फिर मीडिया का भी क्षेत्र हो सकता है, और ये डॉक्टर हैं, चिकित्सा है, उनके क्षेत्र में भी कन्या राशि होने के कारण आप इसमें जा सकते हैं। अगर ये आपके लग्न से दशम भाव में 7 नंबर की तुला राशि है तो तुला राशि का जो क्षेत्र होता है वो तुला जो है उसका स्वामी बनता है शुक्र। तो ये जो कलाकारों के बारे में बताया वो भी यहाँ भी आएंगे। सौंदर्य प्रसादन का करियर हो सकता है, जो न्यायाधीश की कुंडली में भी इनको देखा जाता है, और जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं उनके लिए ये है, जो विज्ञापन करते हैं, इंटीरियर सजाते हैं उनके लिए है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बुध के कार्य क्षेत्र हैं वो कन्या राशि के कारण आ सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि मान लो यहाँ पे वृश्चिक राशि बनती है, वृश्चिक ने मतलब इसका स्वामी बनेगा मंगल, तो मंगल के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि आएगी तो आपका जो बीमा का कार्य क्षेत्र है, ये दवाओं का कार्य क्षेत्र है, ये सब यहाँ से देखे जाएंगे। रसायन क्षेत्र हैं ये यहाँ से देखे जाएंगे। फिर ये सेना पुलिस के कार्य क्षेत्र हैं वो भी इससे वर्ष मंगल के कारण देखे जा सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, यानी जो मेडिकल फील्ड है के जो करियर हैं वो भी यहाँ से आ जाएंगे। दवाएं आ गए, तरल पदार्थ आ गए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी बनेगा आपका गुरु वक्र बनेगा। तो गुरु के जो कार्य क्षेत्र हैं वो धर्म से रिलेटेड हैं, बैंकिंग से और वित्त से रिलेटेड हैं, कि धनी कारक है वित्त का और बैंकिंग का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कानून के जो क्षेत्र में जाते हैं वो भी धनु राशि के जो दशम भाव में हो करियर बना सकते हैं कानूनी के क्षेत्र में। फिर जो एथलीट हैं उनके लिए भी ये अच्छी स्थिति बताई गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर दशम भाव में धनु राशि है तो कपड़े के क्षेत्र में भी जाते हैं, लकड़ी और खनन के क्षेत्र में जाने के लिए। मकर राशि की बात करेंगे, जो मकर राशि है वो शनि का इनका स्वामी बनता है, और ये जो है माइंस वगैरह से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर ये अच्छे दार्शनिक होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और कंप्यूटर के फील्ड में जाते हैं। इस तरह के फील्ड आप करियर बना सकते हैं मकर राशि के कारण। इसके बाद में हम जो बात करेंगे कि अगर आपकी 10 11 नंबर की जो राशि है वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का भी स्वामी शनि बनता है, और कुंभ का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो आप सलाहकार जो होते हैं वो कुंभ राशि के जो आपके 11 नंबर की जो कुंभ राशि है अगर दशम भाव में आ जाती हैं तो आप अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, फिर आप डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं, समुद्री संबंधित कार्य क्षेत्र हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर की राशि है तो ये जो हमने बताया वो सब क्षेत्र आप के हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 12 नंबर की राशि है तो 12 नंबर की जो राशि है वो जल तत्व की राशि है, उसका स्वामी जो बना है 12 नंबर का स्वामी जो बनेगा वो गुरु बनेगा। तो इसके लिए हम बात क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये 12 नंबर की राशि के कारण आप भी जो है
ये जो रसायन की चीज़ें हैं, समुद्री सामान है क्योंकि जल तत्व है, तो समुद्री संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं, ये डॉक्टरों के कार्य क्षेत्र हैं, ये सब भी इसमें हमने बात कर सकते हैं। तो जो भी 12 नंबर गुरु के कार्य क्षेत्र हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। तो ये इसमें हम बात करेंगे जैसे कि अस्पताल है, ये भी यहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि किस तरह से जो राशियाँ आपकी अगर दशम भाव में होती है उसके अनुसार अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। तो आज हमने आपको विस्तृत में बताया कि अगर दशम भाव में जो आप व्यवसाय और करियर बनाना चाहते हैं और राशियां हैं उसके बारे में हमने बात की। तो ये आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रल सिंप्लीफाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।